टीवी सीरियल अनुपमा इन दिनों लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है। एक के बाद एक टीवी सितारे अनुपमा को अलविदा कहकर जा रहे हैं। इसी बीच रूमर्स हैं कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही जनरल लीप आने वाला है। सीरियल में अगले महीने करीब 10 साल लंबा लीप आने वाला है। लीप के बाद सीरियल अनुपमा की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। जहां एक तरफ सीरियल अनुपमा को कई सारे सितारे अलविदा कह देंगे, वहीं आपको शो में कुछ नए सितारे भी देखने को मिल जाएंगे। वेल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और बालिका वधु 2 जैसे शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अनुपमा का हिस्सा बन सकती हैं। यस यू हर्ड दैट राइट। रिपोर्ट्स की माने तो सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने शिवांगी जोशी को शो में मेन लीड रोल निभाने के लिए अप्रोच किया है। 10 साल लंबे लीप के बाद शिवांगी जोशी ही अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में फैंस से कयास लगा रहे हैं कि शिवांगी जोशी अनुपमा में आध्या का रोल निभाने वाली है। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। वेल, शिवांगी जोशी के शो को ज्वाइन करने की खबर से फैंस को लग रहा था कि क्या शिवांगी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली को रिप्लेस करने वाली है। तो आपको बता दें कि लीप के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीरियल अनुपमा से रूपाली गांगुली का पत्ता साफ नहीं होगा। शिवांगी जोशी के साथ साथ रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना भी सीरियल अनुपमा का हिस्सा बने रहेंगे। लीप आने के बाद भी फैंस सीरियल अनुपमा में रूपाली गांगुली को देख सकेंगे। वेल, इस खबर ने शिवांगी जोशी के फैंस के बीच खलबली मचा दी है और वो बेहद एक्साइटेड है इस सीरियल में उनको अनुपमा के यानी कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के साथ देखने के लिए। शिवांगी जोशी लंबे समय से टीवी सीरियल से गायब चल रही थी। वेल, टीवी इंडस्ट्री से उनका जो ब्रेक है वो काफी लंबा हो चुका है। ऐसे में शिवांगी जोशी के फैंस काफी समय से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। वेल, ये खबर सुनने के बाद शिवांगी जोशी के फैंस काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है और लीप के बाद कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए बॉलीवुड लाइफ के साथ।